रूस से भारत को लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई शुरू हो रही है। इसकी पहली खेप दिसंबर महीने के मध्य तक भारत को मिलने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस दौरान भारत आ रहे हैं। एक तरफ भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है, दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति के दौरे और S-400 की सप्लाई का मुद्दा दुनिया भर में छाया हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने भारत पर पाबंदी लगाने की जो चेतावनी दी है वो भी सुर्खियों में है। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि रूस से भारत को बेचे जा रहे 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील उसके एक खास कानून के दायरे में आती है और इस वजह से वो भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल अमेरिका में साल 2016 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी काटसा। इस कानून के तहत भारतीय अधिकारियों और सरकार पर अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगाई जा सकती है। रूस से खरीदे जा रहे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आपूर्ति शुरू होने के साथ अमेरिका ने ये संकेत दिया है कि वो चीन के खतरे के मद्देनजर भारत को प्रतिबंधों से छूट दे सकता है। बीते दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रूस से खरीद की वजह से भारत पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट में कुछ शर्तें हैं और ये कानून हर किसी पर एक समान लागू नहीं होता। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को S-400 की डिलीवरी शुरू होने से जुड़े एक सवाल पर अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने अपने सभी सहयोगी और साझेदार देशों से कहा है कि वो रूस के साथ लेन देन से बचें। उनके ऐसा करने से उनके खिलाफ अमेरिकी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत ने साल 2019 में रूस के साथ 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। इसके बाद अमेरिका ने कहा था कि रूस के साथ भारत का ये रक्षा सौदा काटसा प्रतिबंधों के अधीन आ सकता है। काटसा अमेरिका का एक नया कानून है जिसके तहत वो ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है। दरअसल अमेरिका का ये कानून वहां की सरकार को यह अधिकार देता है कि वो रूस के बड़े हथियार खरीदने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करे। साल 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे और साल 2016 के अमेरिकी चुनावों में कथित दखलअंदाजी के जवाब में अमेरिका ऐसा करता है। भारत को S-400 की सप्लाई शुरू होने के बीच कई अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडेन प्रशासन से कहा है कि वो इस मामले में भारत को छूट दें। सांसदों के भारत को छूट देने की मांग के सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कोई साफ जवाब नहीं दिया है। सिर्फ कहा गया है कि इस कानून में सभी देशों पर एक समान प्रतिबंध लगाने या फिर देश के हिसाब से प्रतिबंधों में छूट देने का प्रावधान नहीं है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।